लाइव कोलकाता, आपकी सोच। आपसी विवाद में पड़ोसी ने दो बच्चे को चार मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया। ये घटना बड़ा बाजार के 113 नंबर नेताजी सुभाष रोड की है। 10 दिन पहले भी दोनों परिवारों में झगड़ा हुआ था। दोनों में से एक बच्चा स्पॉट डेथ हुआ और एक को NRS ले जाया गया है। बच्चा फेंकने वाले को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, शिव कुमार गुप्ता जिसने बच्चे को फेंका है वे मानसिक रूप से बीमार था। बच्चे को खेलता देख शिव कुमार ने बच्चे को नीचे फेंक दिया। बच्चे के पिता का नाम विक्रम साव है, जिसने बताया कि आज शाम 6 बजे जब उसके बच्चे छत पर खेल रहे थे, तभी शिव कुमार बच्चे को खेलता हुआ देख उसे नीचे फेंक दिया। इतना ही नहीं, शिव कुमार ने तीसरे बच्चे को भी नीचे फेंकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। उसकी मां ने बच्चे को रोक दिया। पड़ोसियों का कहना है कि शिव कुमार मानसिक रोग से पीड़ित था। कई बार दोनों परिवारों में झगड़ा भी हुआ है। घटना की खबर सुनकर स्थानीय पार्षद संतोष पाठक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दौड़ के पहुंचे वहां पर स्पॉट में। अच्छा। स्पॉट में जब पहुंचे तो वहां पर देख रहा कि दो बच्चा गिरा हुआ, एक छोटा नीचे में था। अच्छा। वो तो स्पॉट हो गया, ठीक है। एक छोटो इंडिया में गिरा हुआ तो बच थोड़ा यहाँ पर लगा तो बच गया बेचारा, हल्का हाँ ऊपर भी बच गया। एक छोटे का था आपको 1.5 साल था, एक आपको 3.5 साल का था। नाम एक कृष्णा था, एक ठो का आपका विशाल। वो एक आदमी ऊपर में है, उसका नाम है गुप्ता, क्या नाम है, शिव कुमार गुप्ता। अच्छा। शिव कुमार गुप्ता उसका नाम है। अच्छा। किस लिए फेंका, कारण हो सकता है, आप तो यहाँ पर रहते बच्चा लोग, हम तो यहाँ रहते नहीं थे, हम उस पड़े में रहते हैं। हाँ। ठीक है, सुनाई दिया कि मेन क्या है, मेन कारण क्या है। हाँ। वो आदमी को बच्चा से एलर्जी था। अच्छा। भैया हल्का फुल्का उसका एलर्जी क्या, उसके घर के बगल में भी उसका घर है, तो दोनों जन आपस में, ठीक है, बच्चा लोग तो बच्चे ही है, वो यहाँ जाता है वहाँ जाता होगा, मतलब खेलता हो, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। कुछ दिन पहले उसके घर पे झमेला हुआ था। अच्छा। तो वो बोला कि ठीक से रखो, बच्चा को उठा कर फेंक देगा। अच्छा, वो बोला? दस दिन आगे, हाँ, गुप्ता बोला था। अच्छा। ऊपर का जितना आदमी सब चिन्ह पच्चे था। अच्छा। हमको बोला भैया ऐसे बात है। अच्छा। हम ठीक है छोड़ो, जो हो अब जो हो गया छोड़ो, अब बाद में देखा जाएगा। अब फेंका, वो फेंका कि कौन फेंका ये हमको नहीं मालूम, हम तो स्पॉट में नहीं थे, लेकिन सुनाई दिया था कि वो हाँ। उसको पुलिस लेकर गए थे तो। हाँ। दो बच्चे फेंके गए उनके घर में, और कौन कौन? उनके घर पे मतलब कि उनका बहन का दो लड़का, उनका बहन का दो लड़का था और उनका दो बच्चा उसका भी था। शिव कुमार गुप्ता का हाँ, दो बच्चा था उसका बहन का, हाँ चार। फेंकने वाला का बच्चा कोई नहीं था? नहीं, उसका एक लड़का है, एक लड़का यहाँ पर है अभी अग्निशमन में। हाँ, एक लड़का, एक लड़का गांव में है उसका। उसका कोई बाल बच्चा, मतलब यहाँ पर कोई, उससे कोई मतलब नहीं रहता। हाँ, तीसरा बच्चा को फेंकने की कोशिश किया था, उसका मम्मी टांग गए वहाँ से बचा लिए। जो दो बच्चे गिर गए, हाँ, उसका जो मम्मी हाँ, है। झगड़े हाँ। के कारण आपसी विवाद ऐसा ही कुछ इसके कारण हुआ था क्या? झगड़ा के कारण बहुत पहले 10 दिन पहले हुआ था। 10 दिन पहले उसका झगड़ा हुआ था ओलुन के साथ में। हाँ, दोनों परिवार में, अगल बगल में घर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, झमेला हुआ बस। उसके बाद क्या कितने हादसा हुआ? को 5:30-6 के अंदर, 6-5। हाँ हाँ, फैमिली है कि मैं उसका बहन का, दो बच्चा उसका बहन का, उनका बहन यहाँ पर नहीं है, पूरा गांव में, ठीक है। और वो उसको दो बच्चों को उसको पाल रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक बच्चा इसका किया, एक बच्चा उसका चला गया, राजेश शंकर। हम We'll be right back.
एक तरफ जहां लोग कोरोना जैसी महामारी बीमारी से त्रस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति गलियारों में दल बदल का सिलसिला भी जारी है। भाजपा के करीब 120 कर्मी तृणमूल में शामिल हो गए। जी हां, निहट्टी पावर हाउस में बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए करीब 120 कर्मी। निहट्टी के विधायक पार्थो भौमिक और सुबोध अधिकारी ने इनके हाथों में झंडा थमाकर पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी। निहट्टी के विधायक पार्थो भौमिक उत्तर 24 परगना जिला के साधारण संपादक सुबोध अधिकारी ने ये जानकारी दी। आगे वो बोले थी कि हमारे नेत्री ममता बनर्जी एकमात्र नेत्री भारतवर्षर मध्य ये मानुषर पासे गरीब मानुष साधारण मानुष सकल पासे थाके তার নীতি আদর্শ তিনি যেটা বলেন সেটা করেন। আর এখন যারা বিজেপি সরকার যারা ভারতবর্ষের উপরে স্বৈরাচারী একটা শাসন চলছে, শোষণের শাসন চলছে, বড়লোকের সরকার, মানুষ সেটা বুঝতে পেরেছে। এই জন্য নেত্রী হাত মজবুত করার জন্য দলে দলে মমতা ব্যানার্জি ছত্র সালে সবাই আসে। আমার মনে হয় শুধু এখানে বড়লোক যারা বিজেপি নেতা তারা পড়ে থাকবে, বাকি ওদের আর কোনো কর্মী থাকবে না। সাংসদ হচ্ছে একটা ঢপবার সাংসদ, একটা তোলাবার সাংসদ। মানুষের কোনোদিন এই শুনলেন এই মুহূর্তে কি যে বিজেপি যে আদর্শে বিজেপি করছিল সন্টু, সে তো বললো সাংসদ তার সঙ্গে কীভাবে দুর্ব্যবহার করেছে। সাংসদ নিজের ছাড়া বোঝে না, উনি জনপ্রতিনিধি হয়ে জনদরদি নয়, ওর নিজেরটা বোঝে, নিজের কী করে তোলাবাজি আসবে, নিজের কী করে লুট করবে, কীভাবে দাঙ্গা করবে, কীভাবে সন্ত্রাস করবে, এটা হচ্ছে সাংসদ। দুর্ভাগ্য যে আমরা ব্যারাকপুর লোকসভার মধ্যে এরকম একটা দাঙ্গাবাজ সাংসদ পেয়েছি, আর তার প্রমাণ আপনারা পাচ্ছেন দিনে দিনে কীভাবে ওনার কাছে অপমানিত হয়ে দলে দলে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি হাত শক্ত করার জন্য আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন হচ্ছে। এই যারা যোগদান করলো সম্মান, মানে দেখুন শোষণ, সম্মান বলতে তো আপনি আসলেন আমাকে আপনি চা বিস্কুট খাওয়ালেন সেটা তো নয়, অনেক একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে, অনেকটা রেসপেক্ট থাকে। তাহলে যে জনপ্রতিনিধি হয়, জনদরদি না হলে তো সে তো আর মানুষ তাকে প্রত্যাখ্যান করবে, সেটা করছে। लगातार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। कुछ दिन पहले बंगाल में लाशों को घसीटने की वीडियो वायरल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमानविकता करार देते हुए जनता से माफी मांगने की मांग की थी। यह मामला अभी तुल पकड़ता जा रहा है। रविवार के दिन आसनसोल के गुजराती भवन में राज्य बीजेपी के सेक्रेटरी शांतनु बसु ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री बंगाल को शमशान बनाकर छोड़ेंगी। कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपाना, कम मात्रा में कोरोना मरीजों का टेस्ट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में लाशों को सम्मान नहीं मिल रहा तो जिंदा लोगों को क्या सम्मान देंगी ममता सरकार। हर समय राज्य के राज्यपाल को अपमानित करना कहां की राजनीति है। कोरोना के साथ डेंगू की रोकथाम में भी नाकाम है तृणमूल सरकार। आसनसोल में आए हैं सांगठनिक तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने तृणमूल के कार्यकर्ता नेताओं को राहत मिलने वाले रुपयों का लाभ पहुंचाया है। पैसे के घोटाले मामले में बीजेपी इसकी जांच की मांग करती है। कोविड का पेशेंट नहीं है तो गुपचुप के क्यों है। दूसरा विषय 13 42 लाख और 42 लाख का हुआ। तीसरा बिंदु है 13 42 लाख का हुआ था, क्या हुआ था। अगर होमिसाइड हुआ है, मर्डर हुआ, तो पुलिस का होगा, इससे पता चलेगा पुलिस का क्या हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है, परिवार कहाँ है, कहाँ से है, कोई बीमार होंगे तब भी पता चलेगा बीमारी के क्या है, कुछ बीमार का कारण क्या है, तो कुछ पता नहीं। कुछ चुप से 13 लाश 14 लाश 15 लाश कहीं पर 5 लाश कलकत्ता में, ये तो मोबाइल में आ गया, बहुत जगह में तो मोबाइल में आ नहीं रहा है, कहीं पर आ रहा है तो पुलिस वाले उनके घर पहुंचकर वो डिलीट करा रहे हैं। तो बंगाल में क्यों इतना गुप छुप के ये लाश जलाने का काम क्यों हो रहा है, ये सवाल का जवाब ममता बनर्जी सरकार को देना चाहिए। जिस तरह से गवर्नर इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसके बाद उन पर आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से कि बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति आप लोग देख रहे हैं। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन गवर्नर साहब नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गार्जियन है। उनका रिकमेंडेशन पॉजिटिव चिंता में लेना चाहिए, उनका कुछ कहना है सुनना चाहिए।
और सरकार को उसमें कुछ डिनाई करना है, कुछ नकारना है कि यह सही नहीं है, उनको तो सीधा जाकर बताना चाहिए, चिट्ठी भेजना चाहिए, नोट देना चाहिए, प्रेस के सामने बोलना उचित नहीं है। कोविड 19 को लेकर किस तरह से यहाँ मामला बढ़ते जा रहा है, टेस्ट में कितनी कमी आ रही है और किस तरह से क्या हो रहा है? ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनका मंशा है, ना इनकी इच्छा है। कोविड का स्थिति दिन के दिन बंगाल में खराब होता जाएगा, पहले से हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोविड को तो इन्होंने डेंगू माना था। डेंगू का बात जैसे छुपा देते हैं, डॉक्टर को प्रेशर करके बोलते हैं कि आप डेंगू नहीं लिख सकते, डेंगू में ये व्यक्ति मरा है ये बता नहीं सकते, तो इसमें भी ऐसा ही है। कोविड में भी इन्होंने किया था, तो दोनों इक्वलिटी रखने के चक्कर में पूरा एकदम बंगाल को शमशान बनाने के जगह में ममता बनर्जी सरकार ले आ रही है। मैं मुझे कहने में बहुत दुख है कि अल्पसंख्यक जो एरिया है इनका हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो मुख्यमंत्री जी ना उनका समाचार ले रहे हैं, ना उनको बता रहे हैं, ना उनका विषय को जनमानस में ला रहे हैं, उनका हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। मुसलमान लोगों को भी आग में पूरा जला रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि परिचय किसी का प्रकाश नहीं हो रहा है। अच्छा, आज बर्दवान में बीजेपी का एक पार्टी ऑफिस बनने वाला था जमालपुर के ओझापुर में, वहाँ पे हमला किया गया है, भाजपा कर्मियों को पीटा गया है लाठी डंडे से, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे पिटाई किया गया है। पूरा देश प्रदेश में टीएमसी का गुंडागर्दी जारी है, जितना गुंडागर्दी टीएमसी करेगा, पंचायत में किया था उसका नतीजा इनको लोकसभा में मिला, अभी करेगा तो इनका नतीजा विधानसभा में। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। तमाम नियमों और दिशा निर्देशों को मानते हुए आखिरकार 51 शक्तिपीठों में से एक बकरेश्वर धाम को आज खोल दिया गया। मंदिर परिसर को तो खोल दिया गया, लेकिन भक्तों की संख्या नहीं थी। कोरोना काल को लेकर सरकार द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा चर्च को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें से वीरभूम स्थित तारापीठ के निकट बकरेश्वर धाम को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन बकरेश्वर कमेटी के सदस्य और पुरोहितों के बीच हुई बैठक के बाद सती पीठ बकरेश्वर धाम को खोल दिया गया। हालांकि तारापीठ मंदिर को खोलने का सिद्धांत अब तक नहीं लिया गया है, लेकिन कल मंदिर के सदस्यों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि बकरेश्वर धाम को फिलहाल भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कहा है कि हर किसी ने गरिया शमशान में घटना का वीडियो देखा है कि किस तरह से बालू की बोरियों की तरह लाशों को उठाकर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मैंने कलकत्ता नगर निगम से बात भी किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। फेक वीडियो बोलते क्या नो?
फेक वीडियो जरा बोलछेन तारा निजेरा कि एकदम 100 भाग नकल लोक चोखे चामड़ा नहीं अमानुषिकतार एक सीमा थका उचित निर्लज्जतार एक सीमा थका उचित आमी जानी ना एदेर कोनो कांडज्ञान होबे किना क्षमतार मोहे मत्त शासक दल आमी जेदिन घटना हय एकदिन अपेक्षा करेछि सरकार संवेदनशील कोनो मनोभाव निते पारे किना निते पारेनि 24 घंटा हो जावर पर 6টা प्रश्न करेछि कलकाता करपोरेशन शासन कलकाता करपोरेशन गाड़ी करपोरेशन के उत्तर दीते हैं अभी करपोरेशन जिनी एखन मेयर छिलेन अथवा जिनी एखन कमिशनार तादेर दुइयेर काछे जानते चाहिए एटा सत्य किना एखाने आना हलो केन एई रकम अमानुषिकता केन इत्यादि इत्यादि एकटा प्रश्नेर उत्तर देवार हिम्मत नहीं सेटा उत्तर ना दिए बरं चोख लागाच्छेन लम्बा लम्बा कथा बोलछेन उत्तर देवा उचित छिल यदि उत्तर दिते ना पारेन माथा नीचु करुन क्षमा चान आमी ताओ बोलेछि माथा नीचु करुन क्षमा चान राज्य सरकार प्रत्येक दिन एमन अपदार्थता करछे जेटा कोनो सन्देह नेई आमाके राज्यपालके अनेक बाड़ती कथा बलार सुयोग करे दिच्छे राज्यपालके कतटा कथा बला उचित ना सेई आमादेर भिन्न मत आछे किन्तु राज्यपालके एई सुयोग दिच्छेन केन এই সুযোগ কে তৈরি করে দিচ্ছে তো সরকার স্বরাষ্ট্র সচিব এটা উত্তর দিয়ে স্পষ্ট করতে পারলেন না ওটেল ডিএসআরবি মেডিকেল সলিউশনস এক আইএসও সার্টিফাইড কোম্পানি যে বানাতি হে ওয়ার্ল্ড ক্লাস হসপিটাল ফার্নিচার অর প্রোডাক্টস জেসে ওয়ার্ড কেয়ার সলিউশনস বেড সলিউশনস এক্সামিনেশন সলিউশনস ওটি টেবিল আইসিইউ সলিউশনস এলইডি অপারেশন থিয়েটার লাইট সিএসএসটি ফার্নিচার হাইড্রোলিক সার্জিক্যাল ওটি টেবিল और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया करीब 2.5 महीनों के बाद सोमवार से विश्व विख्यात बेलूर मठ आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया हालांकि मठ में प्रवेश के कई नए नियमों का पालन करना होगा इसके साथ रामकृष्ण मिशन व मठ के सभी सेंटर को भी खोल दिया गया अब मंदिर में श्रद्धालु दर्शन तो कर पाएंगे लेकिन ध्यान नहीं लगा सकेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए मठ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक के लिए खोला जाएगा बेलूर मठ को खोलने की पूरी तैयारी पहले ही कर ली गई थी मठ की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्वास्थ्य नियमों की जानकारी भी दी गई इनमें श्रद्धालुओं को बिना मास्क के अनुमति नहीं होगी जो मास्क लगाकर आएंगे उन्हें पहले थर्मल स्क्रीनिंग से होकर गुजरना होगा तमाम सावधानी बरतते हुए बेलूर मठ को खोल दिया गया श्रद्धालुओं के लिए 24 मार्च से बेलूर मठ को बंद कर दिया गया था मुख्य प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और सैनिटाइजर से हाथ धोकर बेलूर मठ में प्रवेश करवाया जा रहा है निश्चित नियमों का पालन करते हुए मठ में प्रवेश किया जाएगा फिर मठ के कार्यकर्ता एक एक श्रद्धालुओं को रामकृष्ण देव के मुख्य मंदिर तक ले जाएंगे सभी को मुख्य मंदिर में एक साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है हालांकि कोई भी मंदिर में बैठ नहीं सकता सोमवार को सागर दत्त अस्पताल में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया सागर दत्त अस्पताल के गेट के सामने स्थित तृणमूल के दलीय कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई, ईंट की बौछारें की गई। सिर्फ कोरोना की चिकित्सा नहीं बल्कि आम लोगों के बाकी की चिकित्सा भी की जाएगी कुछ इस तरह की मांगों को लेकर स्थानीय लोग भड़क उठे आपको बता दें सागर दत्त अस्पताल को कोरोना अस्पताल बनाने के तर्ज पर स्थानीय लोग काफी भड़क गए हैं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस अस्पताल में सिर्फ कोरोना का ही नहीं बल्कि बाकी इलाज भी होना चाहिए लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि मौके पर विशाल पुलिस वाहिनी पहुंची और विक्षोभ को तितर बितर किया उत्तेजित जनता और भी भड़क उठी इस मौके पर पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की धक्का मुक्की भी हुई अस्पताल परिसर को बैरिकेड से घेर दिया गया Thank you.
বিগ। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। Due to lockdown in the last approximately 1 month and all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ ने राज्य के निजी स्कूलों के लिए फीस माफी सहित कई मांगों के साथ सॉल्ट लेक विधान प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस मौके पर सांसद और भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी, भाजपा नेता शांतन बसु और भाजपा नेता किशोर कर विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ की ओर से विकास भवन में शिक्षा विभाग को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस माफ की जाए और राज्य में शिक्षकों को केंद्रीय स्तर पर तुरंत भुगतान किया जाए। मिड डे मील का भोजन आवंटित छात्रों के लिए खर्च करना होगा, जैसा कि वादा किया गया है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पैमाने को तुरंत पेश किया जाना चाहिए। जे এই সময় এই লকডাউনের বাজারে যখন স্কুল পুরোপুরিভাবে বন্ধ রয়েছে এবং সেখানে অনেক অভিভাবক তাদের বাড়ির লোকেদের চাকরি নেই বা সেরকমভাবে তাদের কেউ বিজনেস করে, কেউ ছোট ছোট চাকরি করে, তাদের স্যালারিও হয়তো হচ্ছে না, তো তারা যখন নিজেরাই রোজগার করতে পারছে না, তারা স্কুলের কাছে কী করে দেবে, কী করে তারা ফিস দেবে? তারা ফিসটাকে মুকুব করার কথা বলছে এবং যে কম্পিউটারের ফিস নেওয়া হচ্ছে, বাসের ফিস নেওয়া হচ্ছে। বাচ্চারা যদি বাসে নাই যায়, কম্পিউটার নাই ইউজ করে, তাহলে বেসরকারি স্কুলগুলো কেন এইসব ফিসগুলোকে দাবি করছে? তারা প্রাইভেট স্কুলগুলোতে ফিস এভাবে বাড়ানো হচ্ছে, শিশুদের, বাচ্চাদের, কিশোরদের অসুবিধা হচ্ছে, তাদের পরিবারের অসুবিধা হচ্ছে, তার জন্য আমরা খুব অল্প সময়ের ফলের প্রতিনিধি। এই যে বেসরকারি সরকারি স্কুলের যে ফিস এইভাবে যে নেওয়া হচ্ছে, তার জন্য তাদের মুখ থেকে একটা কথা শোনা যায়নি। অভিভাবকরা বলছেন যে সেই ফিস গুলোতে অনেক সময় কম্পিউটারের ফিস থাকে, তারা ল্যাবরেটরিতে কাজ করে সেখানে ফিস থাকে, বাসের ফিস থাকে। আজকে তো বাসে বাচ্চারা বাসে যাচ্ছেই না, বাসে इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। सोमवार के दिन पश्चिम बर्धवान जिला कार्यालय में जिला शासक पूर्णेंदु मांझी ने समस्त BLRO एवं लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन के बाद यह पहली बैठक है। इस बैठक में लैंड डिपार्टमेंट के कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई और आगे से कैसे इस डिपार्टमेंट का काम और अच्छे से हो उसके बारे में चर्चा हुई। जिला शासक पूर्णेंदु मांझी, अतिरिक्त जिला खुर्शीद अली कादरी, BLO सहित अन्य भूमि अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे। তাদের সারা বছর কি কাজ হয় সেটা আমরা রিভিউ করলাম।
কিছু কিছু জায়গায় ইনস্ট্রাকশন দিলাম কীভাবে কাজ করতে হবে, যাতে অ্যাজ এ টিম অ্যাজ এ ফ্যামিলি ভালো করে কাজ হয় অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করে কাজ হয়, সেই মেসেজ সবাই দিতে হবে। লকডাউন পিরিয়ডে কীরকম কাজ করেছে? না, লকডাউন পিরিয়ডে আপনি জানেন তো সব অফিস বন্ধ ছিল, আর যেহেতু অনলাইনে অনেকেই অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেনি, আজকে দেখলাম কতটা টেন্ডেন্সি রয়েছে, যেটুকু রয়েছে এখন থেকে সবাইকে বললাম রেগুলার বেসিসে কাজ করে সেগুলোকে কুইকলি ফিনিশ করে দেবেন। ओटेल डी एस आर बी मेडिकल सॉल्यूशंस एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। सोमवार को आमडांगा की मरीचा पंचायत कार्यालय के सामने भाजपा समर्थकों तथा गांव के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इनकी मांगे हैं कि अम्फान तूफान के कारण सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की घोषणा की गई थी जिनका भुगतान इन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। इस बात से गुस्साए स्थानीय लोग तथा भाजपा समर्थकों ने 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को घंटों अवरोध किया, पंचायत कार्यालय के सामने विक्षोभ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इनके द्वारा पैसों की दुर्नीति करने का भी आरोप लगाया गया। मौके पर आमडांगे थाने की पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। आजीविका परिस्थिति तंत्र और पर्यावरण संरक्षक समिति द्वारा दक्षिण 24 परगना के भांगर में BDO कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इनका कहना है कि कोरोना स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले ही 4 बार तालाबंदी की है। ये भी अफवाह सामने आ रही है कि अगले कुछ दिनों में 5वें लॉकडाउन की घोषणा भी की जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पहल की है कि सभी कामकाजी लोगों को घर से उनकी दैनिक आवश्यकताएं मिले। परिणाम स्वरूप सभी कामकाजी लोगों के जीवन में एक बड़ी आर्थिक तबाही आई है। इसके अलावा 20 मई को तूफान से भारी क्षति हुई है। इससे किसानों, श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, परिवहन श्रमिकों, खेत मजदूरों, ईंट भट्टा श्रमिकों आदि के जीवन में आर्थिक समस्याएं पैदा हो चुकी है। इनकी मांगे हैं कि कोरोना के मामले में कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देना होगा, सरकार को इससे निपटने के लिए लोगों की सारी जिम्मेदारियां लेनी होगी, अम्फान से प्रभावित सभी लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, कोरोना का उपयोग करके राज्य के उत्पीड़न को रोके, अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए, जैसी कई मांगों को लेकर इनके द्वारा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया।
তিনি তারা সরকারি যোগ দিয়ে তদারকি করে দেখুন কোনটা সঠিক কোনটা মিথ্যা, দেখে তারা সঠিক জায়গায় সঠিক জিনিসটা পৌঁছে দিন, এটা সরকারের কাছে অনুরোধ করব। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ফোন নাম্বার দিতে হবে, এরকম কোনো উল্লেখ ছিল না। তারপরে যখন জমা দিতে যাওয়া হলো, জমা দেওয়ার পরে বলছে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে, ঠিক আছে। সেই ডাটা এন্ট্রি বিষয় নিয়ে বিগত দিন আমাদের পঞ্চায়েত মানে ঘেরাও করতে হয়েছিল, একটা সমস্যা হয়েছিল, যাই ওইদিকে যাচ্ছি না। ডাটা এন্ট্রি জমা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে বলছে কি যে প্রত্যেকটা মানে ক্ষতিগ্রস্তের ফোন নাম্বার দরকার। তাতে বলুন যে একটা গ্রামের যদি 100 জন কি 50 জন কি 150 জন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তার ফোন নাম্বার জোগাড় করতে একটা সময় লাগবে। সেই সময় যখন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, সময়ের মধ্যে ফোন নাম্বার যখন দিতে না পারছে, তখন বলছে এখন আর এ লটে আর হবে না। তাহলে এই ধরনের জিনিসগুলো সরকার যে স্বৈরাচারীর মতন কাজ করতে শুরু করেছে, এখানে যদি আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদের ঝড় না তুলতে পারি, তাহলে কিন্তু আমফানের ক্ষতিগ্রস্তের টাকা কিন্তু আমরা কেউ পাবো না। महामारी के इस कठिन समय में और एक वित्तीय संकट के बीच जब भारत गुजर रहा है, तो बारुईपुर बाईपास के पुनर्निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक हूं कि जल्द ही बारुईपुर और कोलकाता पहले की तरह आसानी से जुड़ पाएंगे। 2011 साल आशा करे अनेकगुलो अटके छिलो এই বাইপাসে 7 কাঠা জায়গার জন্য একটা বিরাট জায়গা আটকে ছিল। এগুলো তখন আমি নিজে এসে মানুষের সাথে কথাটা বলে এইটাকে করি, কিন্তু বাইপাসটা হওয়ার পরে এই 5-7 বছরে আবার ভগ্ন দশায় চলে এসছে। তার কারণ বাইপাস হওয়ার পরে সবাই বড় বড় অট্টালিকা করছে, বড় বড় বিল্ডিং করছে, হেভি লোড গাড়ি যাচ্ছে, স্টোনচিপ বালির, তাই আবার ভেঙে গেছে। এটা নিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বহুদিন ধরে বলেছিল, তার পরবর্তীকালে এটা অনেক দৌড়দৌড়ি করার পরে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে, যে এই অবস্থার মধ্যেও 75 কোটি টাকা খরচা হবে এই বাইপাসটাকে পুনর্নির্মাণ করতে। কারণ 14-14-28 কিলোমিটার এই পুরো রাস্তাটা বানানো এবং ধারে সৌন্দর্যন করা এই এবং ড্রেনেজ, এইটাকে পুরো এই রাস্তায় করতে হবে। তার মধ্যে যতটা লাইট আছে বাদ বাকি লাইটিংটাও করতে হবে। তাই এই অবস্থায় আমি আশা করিনি যে অমিত মিত্র সাহেব এটাকে স্যাংশন করতে পারবেন। তার কারণ 53,000 কোটি টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না, আমপানের পুনর্নির্মাণ করতে হচ্ছে আমাদের, সেখানে কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রায় নেই 1,000 কোটি টাকা ছাড়া। এরপরে করোনার যুদ্ধতেও প্রচুর টাকা স্টেটের খরচা হয়েছে। আমি KMC-তে বসেও বুঝতে পারছি যে কী অবস্থা হচ্ছে, যেখানে আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ কালেকশন প্রায় তলানিতে ঠেকে গেছে। क्या हमारा मन हमें चला रहा है, या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। Bye.
आसनसोल नगर निगम चला रही है स्वास्थ्य कार्यालयों पर जांच अभियान। आसनसोल नगर निगम के 31 नंबर वार्ड बेलडांगा हेल्थ सेंटर में जांच अभियान किया गया। नगर निगम द्वारा गठित टीम सभी हेल्थ सेंटर में प्रशिक्षण ले रही है, चिकित्सा व्यवस्था का जायजा। कोरोना जैसी महामारी के दौरान घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी चेकअप करके थर्मल स्कैनिंग भी कर रहे हैं। इस सेंटर में जनरल पेशेंट भी 50-60 की संख्या में रोज आते हैं। पार्षद वाशिमोल हक ने कहा है कि मेयर जितेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में हम लोगों की टीम गठित की गई है, जो हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर आसनसोल की जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी निगरानी कर रहे हैं। अभी जो COVID-19 में चल रहा है, इसका जो होम हाउस टू हाउस सर्वे हमारा फील्ड फील्ड वर्कर लोग जो कर रहा है, उसका रिपोर्ट देखना या उनको फील्ड में क्या सुविधा रहा उसका, ये तमाम चीज़ों को देखने के लिए हम लोग का रूटीन विजिट सभी जगह पर प्रत्येक दिन चलते रहते हैं। क्या देखने मिला यहाँ पे आके? यहाँ हमारा वर्कर लोग सब होम टू हाउस सर्वे कर रहा है। जो लोग बाहर से हैं उसका रिपोर्टिंग कलेक्शन करके भी कॉरपोरेशन को जमा दे रहे हैं। जिनका टेस्टिंग नहीं हुआ उसका रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका टेस्टिंग का व्यवस्था हो रहा है। थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं लोग, थर्मल स्कैनिंग में जो इनको मिल रहा उसका रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादा फीवर जिसके पास में उसका रिपोर्ट करके उसको हमारे यूपीएससी में डॉक्टर है वो चेकअप भी कर रहे हैं। जिसको जैसा एडवाइस जरूरत पड़ रहा है मेडिकल लाइन से उसको ऐसा गाइडनेस किया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। और कितने लोगों के चेकअप हो रही है हमारा फील्ड में? हाउस टू हाउस सर्वे जो है 50 पर वर्कर जो है 50 घर करके सर्वे कर रहे हैं। महामारी के इस कठिन समय में और एक वित्तीय संकट के बीच जब भारत गुजर रहा है, तो बारुईपुर बाईपास के पुनर्निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया। इस मौके पर नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों से इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मैं सकारात्मक हूं कि जल्द ही बारुईपुर और कोलकाता पहले की तरह आसानी से जुड़ पाएंगे। तो हमारा 2011 साल आशा करे अनेकगुलो अटके छिलो এই বাইপাসে 7 কাঠা জায়গার জন্য একটা বিরাট জায়গা আটকে ছিল। এগুলো তখন আমি নিজে এসে মানুষের সাথে কথা টথা বলে এইটাকে করি, কিন্তু বাইপাসটা হওয়ার পরে এই 5-7 বছরে আবার ভগ্ন দশায় চলে এসছে। তার কারণ বাইপাস হওয়ার পরে সবাই বড় বড় অট্টালিকা করছে, বড় বড় বিল্ডিং করছে, হেভি লোড গাড়ি যাচ্ছে, স্টোনচিপ বালির, তাই আবার ভেঙে গেছে। এটা নিয়ে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বহুদিন ধরে বলেছিল, তার পরবর্তীকালে এটা অনেক দৌড়োদৌড়ি করার পরে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে, যে এই অবস্থার মধ্যেও 75 কোটি টাকা খরচা হবে বাইপাসটাকে পুনর্নির্মাণ করতে। কারণ 14-18 কিলোমিটার এই পুরো রাস্তাটা বানানো এবং ধারে সৌন্দর্যন করা এই এবং ড্রেনেজ এইটাকে পুরো এই রাস্তায় করতে হবে। তার মধ্যে যতটা লাইট আছে বাদ বাকি লাইটিংটাও করতে হবে। তাই এই অবস্থায় আমি আশা করিনি যে অমিত মিত্র সাহেব এটাকে স্যাংশন করতে পারবেন। তার কারণ 53,000 কোটি টাকার কেন্দ্রও দিচ্ছে না, আমপানের পুনর্নির্মাণ করতে হচ্ছে আমাদের, সেখানে কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রায় নেই 1,000 কোটি টাকা ছাড়া। এরপরে করোনার যুদ্ধতেও প্রচুর টাকা স্টেটের খরচা হয়েছে। আমি KMC-তে বসেও বুঝতে পারছি যে কী অবস্থা হচ্ছে, যেখানে আমাদের ট্যাক্স রেভিনিউ কালেকশন প্রায় তলানিতে ঠেকে গেছে। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि
हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। लगातार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और राज्य के मुख्यमंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। कुछ दिन पहले बंगाल में लाशों को घसीटने की वीडियो वायरल, राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अमानविकता करार देते हुए जनता से माफी मांगने की मांग की थी। यह मामला अभी तुल पकड़ता जा रहा है। रविवार के दिन आसनसोल के गुजराती भवन में राज्य बीजेपी के सेक्रेटरी शांतनु बसु ने संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री बंगाल को शमशान बनाकर छोड़ेंगी। कोरोना से मौतों का आंकड़ा छिपाना, कम मात्रा में कोरोना मरीजों का टेस्ट होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में लाशों को सम्मान नहीं मिल रहा तो जिंदा लोगों को क्या सम्मान देंगी ममता सरकार। हर समय राज्य के राज्यपाल को अपमानित करना कहां की राजनीति है। कोरोना के साथ डेंगू की रोकथाम में भी नाकाम है तृणमूल सरकार। आसनसोल में आए हैं सांगठनिक तौर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने तृणमूल के कार्यकर्ता नेताओं को राहत मिलने वाले रुपयों का लाभ पहुंचाया है। पैसे के घोटाले मामले में बीजेपी इसकी जांच की मांग करती है। कोविड का पेशेंट नहीं है तो गुपचुप के क्यों है। दूसरा विषय 13 बयालीस लाख का हुआ। तीसरा बिंदु है 13 बयालीस लाख का हुआ था, क्या हुआ था। अगर होमिसाइड हुआ है, मर्डर हुआ तो पुलिस का होगा, इससे पता चलेगा पुलिस का क्या हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, परिवार कहाँ है, कहाँ से है, कोई बीमार होंगे तब भी पता चलेगा बीमारी के क्या है, कुछ बीमार का कारण क्या है, तो कुछ पता नहीं। कुछ छुप के से 13 लाख 14 लाख 15 लाख कहीं पर 5 लाख कलकत्ता में, ये तो मोबाइल में आ गया, बहुत जगह में तो मोबाइल में आ नहीं रहा है, कहीं पर आ रहा है तो पुलिस वाले उनके घर पहुंचकर वो डिलीट करा रहे हैं। तो बंगाल में क्यों इतना गुप छुप के ये लाश जलाने का काम क्यों हो रहा है, ये सवाल का जवाब ममता बनर्जी सरकार को देना चाहिए। जिस तरह से गवर्नर इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसके बाद उन पे आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की ओर से कि बीजेपी के स्पोक पर्सन के रूप में काम कर रहे हैं, ये किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं। बीजेपी का स्पोक्स पर्सन गवर्नर साहब नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, गार्जियन है। उनका रिकमेंडेशन पॉजिटिव चिंता में लेना चाहिए, उनका कुछ कहना है सुनना चाहिए, और सरकार को उसमें कुछ डिनाई करना है, कुछ नकारना है कि यह सही नहीं है, उनको सीधा जाकर बताना चाहिए, चिट्ठी भेजना चाहिए, नोट करना चाहिए, प्रेस के सामने बोलना उचित नहीं। कोविड-19 को लेकर किस तरह से यह मामला बढ़ते जा रहा है, टेस्ट में कितनी कमी आ रही है और किस तरह से क्या हो रहा है। देखिए, ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनका मंशा है, ना इनकी इच्छा है। कोविड का स्थिति दिन के दिन बंगाल में खराब होता जाएगा, पहले से हम बोल रहे हैं, क्योंकि कोविड को तो इन्होंने डेंगू माना था। डेंगू का बात जैसे छुपा देते हैं, डॉक्टर को प्रेशर करके बोलते हैं कि आप डेंगू नहीं लिख सकते, डेंगू में ये व्यक्ति मरा है ये बता नहीं सकते, तो इसमें भी ऐसा ही है। कोविड में भी इन्होंने किया था, तो दोनों इक्वलिटी रखने के चक्कर में पूरा एकदम बंगाल को शमशान बनाने के जगह में ममता बनर्जी सरकार ले आ रही है। मुझे कहने में बहुत दुख है कि अल्पसंख्यक जो एरिया है इनका हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, तो मुख्यमंत्री जी ना उनका समाचार ले रहे हैं, ना उनको बता रहे हैं, ना उनका विषय को जनमानस में ला रहे हैं, उनका हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। मुसलमान लोगों को भी आग में पूरा जला रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि परिचय किसी का प्रकाश नहीं हो रहा है। अच्छा, आज बर्दवान में बीजेपी का एक पार्टी ऑफिस बनने वाला था जमालपुर के ओझापुर में, वहाँ पे हमला किया गया है, भाजपा कर्मियों को पीटा गया है लाठी डंडे से, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे पिटाई किया गया है। पूरा देश प्रदेश में टीएमसी का गुंडागर्दी जारी है, जितना गुंडागर्दी टीएमसी करेगा, पंचायत में किया था उसका नतीजा इनको लोकसभा में मिला, अभी करेगा तो इनका नतीजा विधानसभा में। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस।
due to lockdown for the last approximately 1 month and all whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। तमाम नियमों और दिशा निर्देशों को मानते हुए आखिरकार 51 शक्तिपीठों में से एक बकरेश्वर धाम को आज खोल दिया गया। मंदिर परिसर को तो खोल दिया गया, लेकिन भक्तों की संख्या नहीं थी। कोरोना काल को लेकर सरकार द्वारा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा चर्च को बंद करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें से वीरभूम स्थित तारापीठ के निकट बकरेश्वर धाम को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन बकरेश्वर कमेटी के सदस्य और पुरोहितों के बीच हुई बैठक के बाद सती पीठ बकरेश्वर धाम को खोल दिया गया। हालांकि तारापीठ मंदिर को खोलने का सिद्धांत अब तक नहीं लिया गया है, लेकिन कल मंदिर के सदस्यों द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया कि बकरेश्वर धाम को फिलहाल भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने कहा है कि हर किसी ने गरिया शमशान में घटना का वीडियो देखा है कि किस तरह से बालू की बोरियों की तरह लाशों को उठाकर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में मैंने कलकत्ता नगर निगम से बात भी किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। फेक वीडियो बोलछेन केनो? फेक वीडियो जरा बोलछेन तारा निजेरा कि एकदम 100 भाग नकल लोक? চোখের চামড়া নেই? অমানসিকতার একটা সীমা থাকা উচিত, নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা উচিত। আমি জানি না এদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান হবে কি না। ক্ষমতার মোহে মত্ত শাসক দল। আমি যেদিন ঘটনা হয় একদিন অপেক্ষা করেছি সরকার সংবেদনশীল কোনো মনোভাব নিতে পারে কি না, নিতে পারেনি। 24 ঘন্টা হয়ে যাবার পর 6টা প্রশ্ন করেছি। কলকাতা কর্পোরেশনের শ্মশান, কলকাতা কর্পোরেশনের গাড়ি, কর্পোরেশনকেই উত্তর দিতে হবে। আমি কর্পোরেশনের যিনি এখন মেয়র ছিলেন অথবা যিনি এখন কমিশনার, তাদের দুইয়ের কাছে জানতে চাই এটা সত্য কি না, এখানে আনা হলো কেন, এই রকম অমানসিকতা কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার হিম্মত নেই? সেটা উত্তর না দিয়ে বরং চোখ লাগাচ্ছেন, লম্বা লম্বা কথা বলছেন। উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। যদি উত্তর দিতে না পারেন মাথা নিচু করুন, ক্ষমা চান। আমি তাও বলেছি মাথা নিচু করুন, ক্ষমা চান। রাজ্য সরকার প্রত্যেক দিন এমন অপদার্থতা করছে যেটা কোনো সন্দেহ নেই, এমনকি রাজ্যপালকে অনেক বাড়তি কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে। রাজ্যপালের কতটা কথা বলা উচিত বলা উচিত না সে নিয়ে আমাদের ভিন্ন মত আছে, কিন্তু রাজ্যপালকে এই সুযোগ দিচ্ছেন কেন? এই সুযোগ কে তৈরি করে দিচ্ছে? করে দিচ্ছে তো সরকার। স্বরাষ্ট্র সচিব এটা উত্তর দিয়ে স্পষ্ট করতে পারলেন না। ওটেল DSRB মেডিকেল সলিউশনস एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, OT टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल OT टेबल और इसके साथ ही होटल
अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स, जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। लाइव कोलकाता, आपकी सोच